हमने उनकी बातों को बड़े गंभीरता से सुना और विचार विमर्श किया, लेकिन लास्ट में डिसीजन निर्णय यूनियन का यही आया कि जब तक हम कोरे आश्वासनों पर आपकी बार काम नहीं करेंगे, हमने डीओ साहब को ये बोला कि आप कोई लेटर इशू कर दें कि इस डेट तक आपके पैसे आ जाएंगे, कोई भी डेट आप डाल के एक लेटर इशू कर दें कि 31 मई तक आपके पैसे आ जाएंगे, 30 जून तक आपके पैसे आ जाएंगे, 31 जुलाई तक आपके पैसे आ जाएंगे। वो ये तो कहते रहे कि आपके पैसे बड़ी जल्दी आ जाएंगे, बड़ी जल्दी आ जाएंगे। सर आप कोई भी डेट लिख के दे दो, हमें लेटर इशू कर दो, हम बच्चों का आज ही एडमिशन दे देंगे। लेकिन कोरे सिर्फ जुबानी जमा खर्च थे, हम अब की बार एडमिशन देने की सिचुएशन में नहीं। कोई ठोस रिटर्न में कोई बात हो तो हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम अब की बार आगे बढ़ने की सिचुएशन में नहीं। और उनका शोषा काफ़ी टाइम से चल रहा है और प्रशासन ये दिखावा कर रहा है कि उन्हें जो गरीब बच्चे हैं उनके भविष्य की उनको फिक्र है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन वो चाहता नहीं है कि गरीब का बच्चा इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। क्योंकि पिछले 3 सालों से जो सरकार ने हमारी मुआवजा राशि है जो भुगतान करना है पिछले 3 सालों से वो आज तक भी नहीं दिया है। कई बार ज्ञापन हम उच्च अधिकारियों को दे चुके हैं, कई बार हम अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं कि 134A के तहत जो गरीब बच्चा हमारे निजी स्कूलों में पढ़ रहा है पिछले 3 सालों से उसकी मुआवजा राशि हमें तुरंत दी जाए, लेकिन कोरे आश्वासन के बाद हमें आज तक भी पिछले 3 सालों की मुआवजा राशि नहीं मिली, जिससे जो निजी स्कूल संचालक हैं वो बड़े निराश हैं, बड़े हताश हैं और मजबूरी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कैथल जिले को ये निर्णय लेना पड़ा कि जो इस साल के 134A के तहत नए बच्चों का लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से जो जारी हुई है, हम उन बच्चों को नहीं लेंगे जब तक एडमिशन अपने स्कूलों में नहीं बिठाएंगे, जब तक सरकार उनकी मुआवजा राशि हमें वितरित नहीं कर। कितने साल का पेंडिंग है? पिछले 3 सालों का ये पेंडिंग। टोटल कितने बच्चे हैं ऐसे? इनकी संख्या हजारों में जी होंगी कैथल जिले के अंदर, मतलब सरकार से कुछ लगभग 4,000 बच्चे होंगे पूरे कैथल जिले के। सरकार से कुछ बात हुई इस विषय में? सरकार को काफी ज्ञापन दिए जा चुके हैं, पिछले साल भी हम शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, ACS से, सभी उच्च अधिकारियों से, जिला हमारे जो DC साहिब हैं पीछे थी हमारी उनसे, और इस बार की DC साहिब हैं हमारी उनसे, और जिला शिक्षा अधिकारी से कई बार मिल चुके हैं, कई बार उनके संज्ञान में ये मामला ला चुके हैं कि हमारी 134A के तहत राशि जो भी बनती है उसको तुरंत प्रभाव से वितरण किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। कई करोड़ों में है, लगभग पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूँ ये राशि 500 करोड़ में बनती है। और कैथल जिले के सर, कैथल जिले का जो ये डाटा है अभी एग्जैक्ट डाटा, कंसोलिडेटेड डाटा अभी आया नहीं है, और दो से तीन सालों की तो बकाया बता दो एस्टिमेटेड कैथल की जो राशि रहेगी, लगभग कैथल जिले की जो राशि रहेगी वो 50 करोड़ के आसपास रहेगी। पर बच्चा कितने पैसे मिलते हैं? पर बच्चा जो सरकार हमें बता रही है वो 300 रुपए से लेके 700 रुपए तक का आंकड़ा अमाउंट उन्होंने रखा है सरकार ने, जो कि नाकाफी है। जो सरकार अपने नियम बना रही है वो सरकार अपने नियमों को फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि रूल में ये लिखा हुआ है कि किसी भी स्कूल को जो मुआवजा राशि वो दी जाएगी वो जो प्रत्येक बच्चे सरकारी खर्च, जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसके ऊपर जो सरकार खर्च करती है, और जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चा पढ़ रहा है जो भी कम होगा वो मुआवजा राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी या वहन की जाएगी। लेकिन सरकार जो अपने हिसाब से ही तय कर रही है कि 200 से लेकर 700 रुपए तक वो देगी, वो राशि भी जो बड़ी नाकाफी है, बड़ी कम है, वो देने में भी आनाकानी की जा रही है पिछले 3 सालों से। और प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल, जो गरीब तबके के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनको हम बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी भेदभाव के पिछले 3 साल से लगातार उन बच्चों का क्या कसूर है? सरकार का कसूर है और सरकार के साथ आपका डिस्प्यूट चला तो उन बच्चों का क्या कसूर? सर कसूर तो निजी स्कूल संचालकों का भी नहीं है, पिछले 3 साल से बिना बाधित हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं और बड़े
बढ़िया तरीके से हमने वेल इन एडवांस जिले के अधिकारियों को संज्ञान में लाया था कि अगर आप हमारी जो राशि है जब तक वितरित नहीं करेंगे हम नए बच्चों को दाखिला नहीं दे पाएंगे। जो पिछले 3 साल से बच्चे पुराने बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा को हमने अभी तक भी बाधित नहीं किया, वो अभी तक भी कंटिन्यू उसी स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार कर रही है, प्रशासन कर रही है, उनकी मंशा साफ है। जो शिक्षा एक्ट 134 का एक्ट सरकार ने हमारे ऊपर थोपा हुआ है, इसमें मिडिल तक का प्रावधान था भी हम मिडिल तक के बच्चों को पढ़ाएं और उनका मुआवजा राशि हम दिया करेंगे, लेकिन अब 9th से 12th तक के भी बच्चों का बोझ हमारे ऊपर डाला जा रहा है और बिना किसी कारण के डाला जा रहा है। और हमने मुख्यमंत्री महोदय को सीवन में आए थे 1 अप्रैल को, हमने उनको भी ज्ञापन दे दिया था कि हम आगे बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे जब तक हमारे को मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी। हमने DC मैडम को भी ज्ञापन दिया, सभी अधिकारियों को कई बार मिल चुके हैं। पिछले 5 महीने से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, हमें समय से पहले मुआवजा राशि दी जाए।